आज श्रावण सोमवार और नाग पंचमी दोनों भगवान महादेव के त्योहार एक दिन आए हैं। इस पावन दिन भक्त लोग भगवान महादेव की मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथ ही नाग पंचमी होने के कारण नाग देवता की जग जग पूजा भी की जा रही है। हिंगोली शहर के प्रवीण नगर इलाके के कुंदेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्त लोग सुबह से ही महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जब कुछ भक्त मंदिर में दर्शन के लिए गए तो वहीं कुंदकेश्वर मंदिर में एक नाग दिखा। नाग पंचमी और श्रावण सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में नाग देखकर पहले तो भाविक भक्त पुष्प और दर्शन दिया। कुछ लोग जंगल में नाग को छोड़ाए उसके रक्षा की जाए, इस कारण सर्पमित्र पटवेकर महाराज को बुलाया गया। सर्पमित्र पटवेकर महाराज ने पिछले कई सालों में हजारों सांप नाग को पकड़कर जंगल में छोड़ा है और उनकी जान बचाई है। लोगों में फैले अभियंता के कारण डर से लोग, लेकिन यह मनुष्य का शत्रु नहीं मुलगी मित्र है। यह भावना लोगों के मन में जागृत कर सांप को जीवन दान देने वाले पटवेकर महाराज ने कुंदकेश्वर मंदिर में पकड़े गए कोबरा जाति के नाग को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। पटवेकर महाराज जो कार्य कर रहे हैं उसका हिंगोली के नागरिकों ने आभार व्यक्त किया। आज ही के दिन जज क्वार्टर में फिर एक बार बिना जहर के धामर जाति का सांप निकला। लोगों ने तुरंत पटवेकर महाराज को बुलाया। पटवेकर महाराज ने उस धामर जाति के सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। नाग पंचमी के दिन तो सांपों को पटवेकर महाराज ने जीवन दान दिया। हिंगोली जवळ असलेला बळसुंड त्या बळसुंड परिसरातील प्रवीण नगर मध्ये मागच्या अक्षयतीर्थ मुहूर्तावर महादेवाच्या पिंडीची स्थापन झाली आणि त्या ठिकाणी आज नागपंचमीच्या मुहूर्तावर नागनाथाने दर्शन दिलं आणि सर्व भक्तांना एक भक्तिमय वातावरण झालेलं आहे। आणि एवढं जागृत देवस्थानासारखं त्या देवस्थानाला एक चांगली हे निर्माण झालेलं आहे देवस्थान। आणि त्या भक्ताने त्या आमचे सर्पमित्र पटवेकर यांनी त्या नागनाथाच्या आज नागपंचमीच्या मुहूर्तावर त्यांना एक जीवनदान दिलं आणि या मंदिरातून त्या नागनाथाला एक चांगल्या सुरक्षित ठिकाणी सोडून देण्याचं एक वचन आम्हाला दिलं आणि आम्ही त्यांच्या स्वाधीन करून आणि सर्व या परिसरातील सर्व हिंगोलीतील जिल्ह्यातील या सर्व जनतेला नागपंचमीच्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। नमस्कार मित्रांनो, या आज श्रावण सोमवार पहिला सोमवार आणि या ठिकाणी प्रवीण नगर मध्ये हे असलेलं स्थानपण कुंदेश्वर मंदिर महादेव मंदिर या मंदिरामध्ये नारळाच्या गोणीमागे साप दिसला असं मला संजूभाऊ चव्हाण आणि त्यांना भक्तांचा कॉल आला दर्शनाला आलेल्या लवकर या असं सांगितलं। मी त्या ठिकाणी आलो, तात्काळ आलो आणि बघितलं, आपण लाईव्ह व्हिडिओ बघत आहात की त्या ठिकाणी बघितलं तर त्या गोणीमागे चक्क एक भारतीय नाग होता, तो विषारीपैकी एक जात आहे भारतीय इंडियन कोबरा जे भारतीय नाग म्हणतो आपण, या सापाला आपण पकडून फॉरेस्टच्या सहाय्याने जीवनदान देणार आहोत। धन्यवाद, नमस्कार।